वेलकम टू साइंसेज क्रिएशन। चिट्टी और चिड़िया। एक घना जंगल था, उसमें एक चिड़िया रहता था। वो बहुत आलसी था, वो कुछ काम धंधा नहीं करता था, पूरी समय बैठकर सबका मजा उड़ाता था। जंगल में एक चींटी रहती थी। रात दिन मेहनत करके परिवार के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। गर्मी या सर्दी वो हमेशा मेहनत करती थी, ज़्यादा खाना लाती और वो उसे बचा कर रख देती थी। चिड़िया हमेशा चींटी को काम करते देख रहा था और उसका मजा उड़ाता था। एक दिन चिड़िया चींटी को बोला, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो खाने के लिए? तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारे पेट में इतना खाना कैसे जाएगा? ये मैं सर्दियों के लिए रख रही हूँ। जाओ जाओ, सर्दी अभी बहुत दूर है। अब क्या हुआ, ज्यादा खाना रखने से बाद में काम आएगा, तुम्हें भी काम करना चाहिए। मुझे काम की कोई जरूरत नहीं, मुझे खाना तो ऐसे ही मिल जाता है, सर्दी तो बहुत दूर है। तुम भी आकर बैठो। मुझे नहीं बैठना है तुम्हारा साथ। ठीक है, काम में लगे रहो। तुम बैठो, मैं चलती हूँ अपने काम पर। हाँ जाओ। जल्दी सर्दियाँ आ गई, ज्यादा ठंड होने के कारण चिड़िया बाहर नहीं निकल पाया। वो बहुत भूखा था। अब उसे चींटी की बात याद आई, तब वो बोला, हाँ ठीक है, मैं चिट्टी के पास जाता हूँ, वहीं खाना मिलेगा। चारों ओर बर्फ गिर रहा था, तब चिट्टा चिट्टी के पास भागते जा रहा था। चिट्टी के पास पहुंच गया और चिट्टी को बुलाने लगा। हाँ, तुम क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? मैं क्यों दूँ, तुम जाकर आराम करो ना। मैं दो दिन से भूखा हूँ, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मैं जब बोल रही थी तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी। सारा दिन आराम करते बिता दिया। अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। अब टिड्डा खाली पेट रोने लगी। इस कहानी में ये सीखें मिलती है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।